पापा का ये पहला एक्सपीरियंस था सबमरीन और एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम का। खैर, मैं तो फ़िलहाल पहले आ चुका था, पर कभी भी आप इस जगह में पहली बार जाते हैं ना, तो देशभक्ति का एक सुनहरा एहसास आपको महसूस होता है कि किन परिस्थितियों में हमारे जवान एक समय में इन्हीं जगह पे हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी वाले काम कर चुके हैं। तो आप कभी भी आएँ और आपका पहला तजुर्बा कैसा होगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को। पापा के साथ पहुंच गए हैं और ये रहा आइनस कुरसुरा, जिसको अभी अंदर से देखने वाले हैं। बाहर से कैसा लगा पापा? बड़ा है, छोटा लग रहा था उम्मीद से? बहुत बड़ा है। ये ब्लैक कलर का आइनस कुरसुरा जो अब म्यूजियम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी बाहर वाले पोर्शन को काफ़ी पेंटेड, अच्छा, वेल मेंटेन रखें, और साइड से लेकर वो वहाँ तक है जो कि काफ़ी लेंथ ब्रॉड है, जिसका मेजरमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल अंदर जाके देखते हैं। ये आइनस कुरसुरा का वो वाला पोर्शन है जिसमें अगर कभी भी पनडुब्बी नीचे डूबती है तो सबसे पहला छोर जिसे निकालते हैं कन्फर्मेशन के लिए, वो वाला पोर्शन है जो किसी भी सबमरीन के सबसे सेंटर पॉइंट में मोस्टली रखते हैं, या तो सामने वाले पोर्शन से थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करके रखते हैं ताकि उन्हें अपना अप पॉइंट निकलने के हिसाब से मैनेज करना पड़े। ये है एंट्रेंस पॉइंट सबमरीन का और ये है गेट की एंट्री, और जैसे आप क्रॉस करेंगे तो पर हेड 40 रुपीज़ है, और अगर आप वीडियोग्राफी वगैरह सब कराना चाहते हैं तो 50 फॉर एनी मोबाइल कैमराज, और वीडियो कैमरा के लिए 200 आपको पे करने पड़ेंगे। ये सिंपल सिंपल पापा का हाइट है, और ये रहा सबमरीन जो दूर से मैं एक बार दिखाता हूँ, तो कुछ इतना लंबा पापा की हाइट के ये सबमरीन है। यहाँ से एंट्री होती है जो कंपार्टमेंट 1 है। किचन काफी छोटा लग रहा है कि नहीं पापा? ये जो फैन है ये रोटेटिंग फैन है, और इसी से आप स्पीड मेंटेन, चाहे वो आगे की ओर जाए या पीछे की ओर, वो मेंटेन रखता है। और ये मेन है फैन जो इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन्स रहते हैं, और ये साइड वाला है ये बकायदा लहरों को काटने के लिए और अपर और डाउन पोर्शन में जाने के लिए इस रोटेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण एक फिक्स डेप्थ पे आप नीचे या ऊपर जा सकते हैं, और इसके कंट्रोलिंग इसी से अटैचबल जुड़े हुए 7th, 6th, 5th कंपार्टमेंट में ये कंट्रोलिंग पावर रहता है। 70 रुपीज़ की एंट्री टिकट है, और एंट्री के लेफ्ट साइड से ही आपको ये एयरक्राफ्ट का हल्का सा ग्लेंस मिलेगा, जिसका एक पॉइंटिंग नेवी IN312 है, और ये रहा एंट्री गेट। इसका भी पूरा अंदर का कुछ कुछ पोर्शन मैं दिखाता हूँ, फिलहाल तो ये जो एंट्री है उससे टैली कर। ये है पूरे TU-142 एयरक्राफ्ट के मेन मिसाइल्स और पूरे इंजन सेटअप, और यहाँ पर जैसे आप शुरू में देखेंगे तो ऑक्सीजन टैंक है, उसके पहले एयर बॉटल, और ये रहा टर्बो जनरेटर। टर्बो जनरेटर का भी एयरक्राफ्ट पे बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है, जो एन समय पे बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये रहा सेटअप, जिसमें एक पॉइंटिंग जो इनका नंबर है वो भी अलॉट किया गया है, जैसे इसका 1821-2206 अलॉट है। इसमें 5 के सेटअप में है, जिसका सेंटर 3 है और अपर और डाउन ये दोनों इक्वलेंट है। ये सबसे जायगांटिक इंजन NK-12MP के नाम से है, जो यहाँ के इंटीरियर जो रोलर है उससे इसकी अहमियत शुरू होती है, और अंदर का पूरा सेटअप ये रहा जो मेंटेन इस पूरे हर एक चीज़ को करता है, उसका पॉइंट नीचे प्रॉपर कनेक्शन, और ये उसका आउटर पॉइंट। ये है एयरक्राफ्ट का टायर सेक्शन, जो आप देख सकते हैं नॉर्मल टायर से काफ़ी बड़ा है,
जो कि 1450x450 के प्रॉपर डायमेंशंस में है। और अगर आप इंफॉर्मेशन और डिटेल्स चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। अवार्ड एंड ऑनर्स जितने भी लोगों को अभी तक मिले हैं उनकी फोटो और उनके प्रॉपर डेजिग्नेशन इसमें दिए हुए हैं। एयरक्राफ्ट का साइड बाय लुक है जिसके बगल में आप देख रहे होंगे, ये दोनों टर्बाइन दिख रहे हैं जिसमें रोटर की भी काफ़ी तगड़ी व्यवस्था है और जो फैन है वो सेटअप किए गए हैं दोनों में। और ये है इसका विड पॉइंट। TU-142 का ये एंट्रेंस है और जैसे आप घुसेंगे तो पीछे यहाँ पूरे मशीनरी चीज़ आपको दिखेंगे जिसमें पापा भी जा रहे हैं, तो वो एंट्री पॉइंट है और वो स्ट्रेट होते हुए अंदर तक जाता है। और ये है एयरक्राफ्ट का बाहरी लुक जिसके टरबाइन के बारे में जैसे मैं बता रहा था, तो राइट साइड में दो टरबाइन है और लेफ्ट साइड में भी दो टरबाइन है। और इसी टरबाइन का जो पूरा इंटीरियर था जिसमें मशीनरी जितने भी सेटअप थे उसको मैं आपको अंदर दिखा दिया था। सामने के काफ़ी टिप्पी पॉइंट है और उससे लगा हुआ इक्वी डिस्टेंस पे टरबाइन है। ये वाला टरबाइन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा होता है और इसके लेंथ हल्के से कॉम्प्रोमाइज़ करके कम रखा जाता है क्योंकि इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है।